गाइज, वेलकम टू माई चैनल एम एम लव। आज का हमारा वीडियो है, मैं आपको फेस पैक बताने जा रही हूँ, वो है एलोवेरा और हल्दी का फेस पैक। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही असरकारक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये आपका रंग निखारने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल, ले लीजिए, चाहे कांच की लो चाहे स्टील की, कैसी भी एक बॉल ले लो। उसमें आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, आप जितने अपने स्किन पे लगता है, 2 चम्मच या 1 चम्मच, तो मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप अगर आपके पास पेड़ लगा हुआ है तो आप ताज़ा तोड़ के ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो आप पतंजलि का एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट आता है और मैं वही यूज़ करती हूँ, वो अच्छा रहता है स्किन के लिए। 1 चम्मच एलोवेरा ले लिया है। एलोवेरा आप सभी को पता है कि आपकी बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पैक को आप मिक्स करके हल्दी मिला के लगाएंगे तो वो आपको पता है कि हल्दी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें डालेंगे पिंच हल्दी, डालेंगे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपका पूरा चेहरा है वो पीला पड़ जाएगा, इसलिए इसमें मैंने पिंच हल्दी डाली है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो अब चेहरे पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। अप्लाई कर लीजिए अपने, जो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश की क्या ज़रूरत जब हमारी अंगुलियाँ ही है, तो जो बीच की 2 उंगलियां हैं उनसे आराम से आप लगा सकते हैं। अगर आपके हाथ पीले हो रहे हैं, आप नहीं करना चाहते हैं उंगलियों का यूज़, तो आप ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, कैसे भी जो आपको अच्छा सुविधा अनुसार बैठे वैसे कर सकते हैं। इसे अपने अच्छे से, बिल्कुल पतली लेयर नहीं लगानी, आपको मोटी मोटी लेयर लगानी है इसको, क्योंकि आप पतली लगाओगे तो वो फटाफट से सूख जाएगा, लेकिन फटाफट से नहीं सुखाना है इसको, कम से कम 15-20 मिनट रखना है आपको चेहरे पे, तभी हल्दी इफ़ेक्ट करेगी, एलोवेरा जेल इफ़ेक्ट करेगा। तो मैंने एक थिक लेयर लगा ली है, एकदम आराम से थिक लेयर लगा लीजिए, बिल्कुल पतला पतला नहीं लगाना है, जहाँ पे भी छूट गया है वहाँ पे अच्छे से लगा लीजिए। आप सभी को पता है कि जो एलोवेरा होता है, हल्दी और एलोवेरा दोनों को मिक्स करते हैं तो वो आपके बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। यह आपके स्किन के दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म करता है और उस आपकी स्किन में कांति लाता है, यानी कि चमक लाता है, गोरापन करता है आपके चेहरे को। तो थोड़ी देर में जैसे आधा सूख जाए, यानी कि सूखने लग जाए आपका, तो आप 2-3 मिनट चेहरे की मसाज कर सकते हैं हल्के हाथों से। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप ना करें। अगर आपकी जो अंगुलियां है वो पीली हो जाएं, आपको लग रहा है कि आपकी पीली हो जाएंगी, कलर चढ़ जाएगा उनमें, तो आप मसाज ना करें, नहीं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो फ़ायदा ही होगा अगर आप मसाज करेंगे तो। कि आप सभी को पता है कि आपके चेहरे के लिए मसाज कितनी ज़रूरी है, आपकी चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन चलता है मसाज से, तो आपकी स्किन में निखार आता है, उसमें अच्छी होती है आपके लिए मसाज। तो आप कर सकते हैं, आप मसाज करना चाहें 2-3 मिनट आराम आराम से कर लीजिए मसाज, क्योंकि हल्दी में आप लोगों को पता है बिल्कुल बारीक बारीक दाने आते हैं, तो आप हल्दी से आप नोज़ के पास में, नोज़ के ऊपर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड हैं वो भी अच्छे से निकल जाएंगे उससे। और जो लिप्स होते हैं उसके ऊपर और लिप्स के साइड में भी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कालापन होता है, तो आपकी डेड स्किन निकल जाएगी उससे, क्योंकि हल्दी में थोड़े बारीक बारीक कण होते हैं, तो उससे आप थोड़ा मसाज कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से। आपके चेहरे के लिए भी बढ़िया है और आपके डेड स्किन वगैरह, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड भी निकल जाएंगे। तो मेरी मसाज हो चुकी है और सूख भी चुका है, 15-20 मिनट रखा है मैंने अच्छे से, सूखने के बाद भी रखना है क्योंकि पंखे में जल्दी सूख जाएगा और आपको पता है एलोवेरा जल्दी सूख जाता है, लेकिन 15-20 मिनट तक आपको रखना ही है सूखने के बावजूद भी। अब इसे हम धो लेंगे, 20 मिनट बाद में इसको धो लेना है, और इसको आपको टॉवल से रगड़ के नहीं पोंछना है, आपको इसे टैप टैप करके सुखा लेना है, या फिर आप टॉवल को बिल्कुल चेहरे पे रख के इसको पानी को सोक करना है, बस इतना ही करना है। और एलोवेरा आपकी स्किन में कसाव भी लाता है, आपकी स्किन टाइटन करता है, वो टाइट होती है स्किन में, नमी रहती है आपकी स्किन में, ड्राई ड्राई नहीं रहती है वो। यह है आपके दाग धब्बे मुहासे आप सभी को ठीक करते हैं। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जैसे कोई शरीर पे दाना हो जाता था या चेहरे पे दाना हो जाता था पहले, तो जो दादी वगैरह हैं वो हल्दी का पेस्ट लगा देती थी,
या फिर जैसे आपने नाक छिदवाया है, कान छिदवाए हैं, तो वहाँ पे अगर पक जाता तो छिदवाने के बाद में पक जाता तो उसके ऊपर हल्दी और घी का पेस्ट लगाते थे, तो उससे क्या होता था वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था, क्योंकि आप सभी को पता है हल्दी एंटीबायोटिक है, वो एक बिल्कुल नेचुरल दवा है, आपको बाहर से दवा लाने की ज़रूरत नहीं, हल्दी लगा लीजिए किसी भी चीज़ में, घाव भरने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपके मुहासे वो बिल्कुल ठीक कर देगी। तो मैंने अपना चेहरा धो के आ गई हूँ और मैंने इसको बिल्कुल टॉवल से पानी सुखा लिया है, सूख चुका है, मेरी स्किन सूख चुकी है, मैंने अच्छे से धो लिया है उसको। अब मैं मॉइस्चराइज के लिए यूज़ करूँगी गुलाब जल। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, आपके पास क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नेचुरल यूज़ करना चाहते हैं तो आप गुलाब जल यूज कर लीजिए। अब बादाम का ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास और कोई क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं, जो आप मॉइस्चराइज़र करते हैं वो लगा लीजिए। मैं गुलाब जल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो एक बिल्कुल नेचुरल है, तो गुलाब जल अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लेंगे तो मॉइस्चराइजर हो चुका है, आप मेरी स्किन में इफ़ेक्ट देख सकते हैं। हाँ, हल्का आपका थोड़ा चेहरे पे आप धो के आएंगे तो आपको हल्का सा पीलापन लगेगा, लेकिन जैसे ही आप टॉवल से हल्का हल्का टैप करके पोंछेंगे तो वो पीलापन उतर जाएगा, आपके चेहरे पे पीलापन नहीं देखेंगे। और जब आप स्किन पे हाथ लगाएंगे अपनी तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है, और स्किन है आपकी निखर के आती है, रंग गोरा हो जाता है इससे। आप सभी को पता है कि हल्दी का और हल्दी का उपटन लगाया जाता है, हल्दी डाल के जब किसी की शादी होने वाली होती है उस टाइम लगाया जाता है, तो उससे रंग गोरा होता है, ऐसा बोला जाता है कि दुल्हन का रंग है वो इससे साफ हो जाता है, गोरा हो जाता है। तो हल्दी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा पैक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।